उधर पीएम मोदी के रूस दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। यूक्रेन जंग में भारतीयों की भर्ती बंद हो, असदुद्दीन ओवैसी ने यह मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी को पुतिन से बात करनी चाहिए, फंसे हुए भारतीयों की वापसी यकीनी हो, असदुद्दीन ओवैसी ने यह मुद्दा उठाया। साथ ही साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है कि 50 यहाँ जो भारतीय हैं वो रूस की फौज में शामिल हो गए हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठाया है कि यूक्रेन जंग में भारतीयों की जो भर्ती हुई है वो बंद हो, पीएम मोदी को पुतिन से बात करनी चाहिए और भारतीयों की घर वापसी होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ये मुतालबा किया है। वाजे रहे कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। आज रात उनकी मुलाकात का प्रोग्राम है, साथ में डिनर करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भारतीयों की वापसी की डिमांड कर रही हैं।